हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल डॉक्टर जी आज वर्ल्ड। सो आज के वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ, मैं जब भी काम आती हूँ तो मेरा क्या शेड्यूल होता है, मॉर्निंग से इवनिंग नाइट तक का क्या शेड्यूल रहता है, मैं क्या करती हूँ दिन भर, तो ये मैं आपको दिखाने वाली हूँ। यहाँ मैं सबसे पहले जल्दी उठ जाती हूँ 5:30 और 6 AM के पहले पहले, क्योंकि घर वालों का रूल है। ओके, एंड अभी मैं उठ चुकी हूँ 5:30 एंड मैंने प्रणाम किया है धरती माता को, और मैं उठ के अब थोड़ा सा लेजीनेस फील कर रही हूँ। और अभी मेरे पापा ने मुझे बोला भजन चला दो, तो मैंने भजन शुरू कर दिए हैं। तो मैंने स्पीकर में म्यूजिक चला रही हूँ भगवान के, तो मैं स्टार्ट कर दिए। और अभी फिर मैं अभी बाहर आ चुकी हूँ वॉक करने के लिए, और मुझे सुनाई दे रही है यहाँ पे बर्ड्स की बहुत मधुर आवाज़ सुनाई दे रही है, जिसको देख के मुझे ऐसा सुन के ऐसा लग रहा है कि मैं वापस सो जाऊँ, बट मुझे सोना नहीं है, इसलिए मैं इधर उधर घूम के और थोड़ा सा नींद उड़ा रही हूँ मैं। और यहाँ पे अभी सनराइज़ तो नहीं हुआ है, जब होगा मैं आपको दिखाऊंगी। और अभी मुझे करना है गर्म पानी पीना है, तो मैं थोड़ी देर वॉक कर लेती हूँ। वॉक करने के बाद आपको व्यू दिखाने के चक्कर में मैं आज थोड़ा सा ज़्यादा वॉक कर रही हूँ, तो देख लो आप, ये हमारा घर का व्यू है। और ऐसे गाँव में जंगल हो रहे हैं, यहाँ पर जंगल में मंगल हो रहा है, देखो जन्नत है ये वैसे मेरे लिए। देखो आपके लिए क्या है, जंगल है या जन्नत है, ये मुझे बताना कमेंट में। ओके, तो ये मैं सुबह सुबह पीती हूँ गर्म पानी, उसमें वीक में मतलब 2-3 बार तो मैं ऐसा करती हूँ लेमन वाटर पीती हूँ, एंड मैं मोस्टली वैसे गर्म पानी डेली पीती हूँ, और उसमें 2-3 दिन के लिए मैं लेमन वाटर पीती हूँ। तो आज मैं पीऊँगी लेमन वाटर। तो अभी मैं नींबू लेने के लिए जा रही हूँ, और नींबू लेके मैं गर्म पानी कर लेती हूँ। और अभी मैं नींबू पीने के बाद, ये आपको मैं दिखा रही हूँ इसलिए क्योंकि आपको पता रहे कि मैं सच में नींबू पानी पी रही हूँ, और आप भी इसी से सीखे, सबको पीना चाहिए वैसे नींबू पानी, वीक में 2 या 3 बार तो पीना चाहिए, और किसी को प्रॉब्लम है ऐसी दिक्कत तो उनको तो नहीं पीना चाहिए। तो ये मैं पीती हूँ, और ये मम्मा के लिए भी मैंने थोड़ा सा गर्म किया, उनको भी दे देती हूँ। अभी मैं वॉक कर रही हूँ, वॉक करते करते ये सोच रही हूँ कि मुझे आज क्या करना है सुबह से। तो मैंने वैसे मेरा डिसाइड ही होता है, बट सोच रही हूँ कि कुछ एक्स्ट्रा काम तो नहीं है, क्योंकि मेरे पापा मुझे ब्रेकफास्ट मेरे से ही बनवाते हैं जब भी मैं घर आती हूँ, क्योंकि मैं बहुत अच्छा बना के देती हूँ, मुझे अच्छी आती है कुकिंग। तो आज तो मेरे पापा का फास्ट है, तो उनको मखाने बना के देने, इसलिए मुझे आज मैं रिलैक्सिंग फील कर रही हूँ, और नेचर की आवाज़ सुन के बर्ड्स की मुझे अच्छा लग रहा है। और अभी मैं आ गई हूँ पापा की कार को क्लीन करने के लिए, क्योंकि वैसे 2-3 बार वो बाहर करवा लेते हैं, बट कभी कभी जब भी हम तीनों भाई बहनों में कोई भी होता है तो एक तो करता ही है, तो आज मेरा ही नंबर है तो मैं कर रही हूँ। और ये पानी की तो ग्लास लेके मैं चारों तरफ घूमती रहती हूँ, इसको पता नहीं, मेरे पापा कहते हैं 1 घंटे से इस पानी को पीती है, और सब बस ही आ जाती है, सुबह सुबह लेके इसको बैठ जाती हूँ मैं, तो ये ग्लास ख़त्म नहीं हुआ है। अब गाड़ी साफ करने के बाद ये हो जाएगा, आप भजन की आवाज़ तो सुन ही रहे हो। और ये मेरे पापा की डिग्गी में मैंने देखा, ये हमेशा ही रहते हैं, इनकी एक आदत है, ये गुड़ के रखते हैं कार्टून, इनमें कभी केले पड़े रहते हैं, जब भी ये निकलते हैं ना तो घर से बाहर जाते ही कुछ बोल वगैरह है, यहाँ पे 3-4 पता नहीं इनकी आदत होगी, जैसे गाड़ी जाएगी वो पीछे पीछे आ जाएंगे इनके, मुझे तो डर लगता है उनका काऊ वगैरह पर, देखो इनकी करनी चाहिए सेवा, ये जैसे जाएंगे कुत्ता बिल्ली वगैरह ऐसे बहुत सारे जानवर जो चारों तरफ पक्षियों को भी नहा डाल के चले जाते हैं, जैसे वहाँ पहुँचेंगे इनकी गाड़ी के चारों तरफ हो जाते हैं सब, इनकी डेली की है ये, मतलब ऐसा नहीं है 1-2 बार करते, डेली कंटिन्यू इनकी आदत है, मैं जब से देख रही हूँ बचपन से इनको ऐसा ही रहता है इनका। और मैं इसीलिए मेरे पापा को आइडियल मानती हूँ, हमेशा मेंटर मेरे वही है, मेरी फैमिली से मैंने बहुत कुछ सीखा है। और देखो पक्षियों को और नेचर को बचाना बहुत ज़रूरी है, इंसान तो बच ही रहे, इंसान की सब हेल्प करते हैं लेकिन इनकी भी करनी चाहिए, हमारे बच्चा है जो एक ही बच्चा है, यहाँ पर इतनी कम पॉपुलेशन है, तो ये जा रहा है स्कूल और मैं इसको देख रही हूँ, मैं मेरे बचपन को याद कर रही हूँ यहाँ पे। देखो मैंने क्या है, उस टाइम व्लॉग तो बना लिया लेकिन आवाज़ रिकॉर्ड नहीं करी, अभी मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ इसलिए मैं उस मोमेंट को याद कर रही हूँ, तो कुछ गलतियाँ भी हो जाए तो ध्यान दे लेना, बता देना मुझे कमेंट में। ये मैं मखाने सेक रही हूँ क्योंकि मेरे पापा का आज फास्ट है, और इसलिए थोड़ा सा उनको फास्ट के लिए मैं टिफ़िन में पैक कर दूँगी। तो अभी ये हेल्दी होते हैं वैसे, आपको सबको पता है इनमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं और लाइट होते हैं खाने के में भी, तो इसलिए मैंने घी कम डाला है कि कहीं फैटी तो नहीं होगा। तो ऐसे मेरी सुबह की शुरुआत होती है यहाँ पे, और मुझे सबसे जल्दी उठना पड़ता है। जयपुर में तो क्या था, सिटी मेरे गांव में यही फ़र्क होता है कि यहाँ पर, वहाँ मैं मेरी मर्ज़ी से कभी भी उठ जाती थी, लेकिन यहाँ तो मुझे सुबह 6 बजे पहले उठना ही पड़ता है,
और अब देखो मैं लग रही हूँ मैं खाने बनाने की, आपको दिखा रही हूँ कि मैं ही बना रही हूँ कहीं आपको बिलीव ना हो कि मुझे आता ही नहीं आता। अब मैंने डाल दिया इसमें नमक, और मैंने सेंधा नमक डाला है वो फास्ट वाला जो कि, और ऐसे ही ब्राउन ब्राउन कलर के हो जाते हैं, तो बस इनको सीख गए हैं, अब खाने लायक हो चुके हैं, अब खा लो। अब मेरा हो चुका है ब्रेकफास्ट का टाइमिंग, तो आज ब्रेकफास्ट में इतनी सारी चीज़ें लाई हुई पड़ी थी तो मैंने सब खा ली हैं। और वैसे हमेशा एप्पल वगैरह तो रहता है, तो ऐसा नहीं है कि हमेशा ये फुल प्लेट खाता हूँ मैं, जब भी मुझे ऐसे मतलब कुछ भी लाया हुआ रहता है बट खाती हूँ मैं ड्राई फ्रूट्स या फ्रूट्स ही हूँ। मतलब बहुत कम होता है कि हम पोहे वगैरह बनाते हैं, ऐसे फ्रूट्स ही खाती हूँ मोस्टली मैं। बट मेरा सुबह चाय स्किप कर दिया, मैंने पहले मैं चाय पिया करती थी, अब मैंने चाय स्किप कर दिया है। और मेरे को ना ये जो है ना बीट रूट मुझे अच्छा नहीं लगता, तो मेरे को खाना पड़ रहा है, क्योंकि ना देखो हेल्दी है, जो हेल्थ के लिए अच्छी होती हैं जो चीज़ें उनको खाना चाहिए, इसलिए मैं खा रही हूँ। और कीवी तो मुझे पसंद है, नारियल पानी भी बहुत ज़्यादा, बट जो चीज़ें पसंद होती हैं वो हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती ना, इसलिए मुझे खाना पड़ रहा है। और मैं ये देख रही हूँ कि मैं कैसी लग रही हूँ, क्योंकि मेरे लिए अभी फ़िलहाल मिरर हमेशा मेरे पास में पड़ा रहता है, जब भी मैं घर रहती हूँ मेरे चारों तरफ मिरर ही रहता है। और अब मैं क्या कर रही हूँ, तो मैं फ़ोन को ही मिरर समझ लिया मैंने, इसलिए क्यूट क्यूट पिक्चर्स लेने की सोच रही थी, देख रही थी खुद को। अब मेरा हो गया पढ़ने का टाइम, ब्रेकफास्ट के आफ्टर मैं पढ़ने लग गई, और मैं अभी पेज नंबर ढूंढ रही हूँ कि कौन सा इंटरेस्टिंग टॉपिक है वही पढ़ा जाए। शुरुआत करती हूँ तो इंटरेस्टिंग से करती हूँ जिससे मूड अच्छा रहे। तो मैंने एपिलेप्सी का उठाया शायद टॉपिक, और मेरा ये कवर भी हो चुका है, मैंने पहले भी याद कर लिया था और अभी भी। और अब मैं पढ़ती हूँ, तो मेरे को क्या है कभी कभी ओवर थिंकिंग भी होती है, जो कि आपको दिख जाएगा यहाँ वीडियो में। तो उसके लिए मैं फिर क्या करती हूँ, मैं अच्छी अच्छी चीज़ें सोचने लग जाती हूँ, पॉजिटिव थिंग सोचती हूँ, खुद को डाइवर्ट नहीं करने देती माइंड को, क्योंकि मैं कम टाइम के लिए कम मैं सोचती हूँ, कम टाइम में मुझे याद हों चीज़ें, इसलिए मैं क्योंकि टाइमिंग इतना देना नहीं चाहती मैं, क्योंकि मेरा टाइमिंग बहुत जगह वेस्ट होता है। जैसे मैं डांस एक्टिविटीज़ भी करती हूँ, आप देखते हो, वीडियोज भी बनाती हूँ, तो मैं चाहती हूँ मुझे इतनी अच्छी शार्प मेमोरी हो कि मैं 5-6 घंटे में सब कुछ कैच कर लूँ मैं, तो इसलिए मैं वो कोशिश में रहती हूँ। जब भी मैं स्टडी करती हूँ तो इसलिए मेरा पूरा कंसंट्रेशन ही स्टडी में ही रखती हूँ, कहीं डाइवर्ट नहीं होने देती माइंड को। और जैसे डीप स्लीप आती है ना, वैसे मैं खो चुकी हूँ अभी मैं पढ़ाई में, और ये मेरा शेड्यूल चल रहा है। और जब भी मुझे ऐसे मतलब मैं ऐसा चाहती हूँ खुद को हेल्दी रखूँ, अच्छी रखूँ, इसलिए मैं बीच बीच में आँखों की ऐसे मसाज करने लग जाऊँगी, कभी क्या करने लग जाती हूँ मैं, थोड़ा बच्चों को पता है बच्चों की तरह ही जीना चाहती हूँ लाइफ को, मतलब ऐसा ज़्यादा सोचना ऐसे मतलब मुझे सही नहीं लगता ये सब। हॉस्पिटल में काफ़ी होती हैं ऐसी चीज़ें, मैं उनसे बाहर निकलना चाहती हूँ, मैं मतलब चाहती हूँ रियल लाइफ में मैं बिल्कुल एकदम बच्चों की तरह रहूँ, अच्छे से जीऊँ, जिससे मेरी माइंड की कैपेसिटी भी अच्छी रहे, कि ज़्यादा लोड आता है ना दिमाग में तो दिमाग चलता नहीं है, तो इसलिए मैं कभी किसी के बारे में सोचती नहीं हूँ ज़्यादा, और मैं भूल जाती हूँ उन चीज़ों को। मेरे दोस्त बहुत शिकायत करते हैं मुझे कि हमें याद ही नहीं है, वो नहीं है, क्योंकि इतनी चीज़ें याद नहीं रहती हैं, मैं उनको इग्नोर मारती हूँ ज़्यादातर, तो जो अच्छी चीज़ें हैं वो मुझे याद रहती हैं। तो मैंने क्या सोचा, घर पे रह रही हूँ तो मैंने सोचा पढ़ाई कर दी जाए स्टार्ट, तो मैंने पीजी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है, और मैं अभी ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करूँगी, अभी 5-7 दिन में जयपुर जाने वाली हूँ। तो अभी तो फ़िलहाल तो मैं जो ऑनलाइन कोर्स है उसी से मैं पढ़ती हूँ, एंड बुक्स जो है मैं उसमें जो समझ में आ रहा है उतना मैं पढ़ रही हूँ अभी फ़िलहाल। और अभी मैं जाके फिर पूरा स्टडी में देना है, पूरा फोकस वहीं करना है। तो ये है मेरा शेड्यूल टाइम जो आप देख चुके हो, अभी इसके बाद मैं क्या करती हूँ नेक्स्ट दिखाती हूँ आपको। ये है हमारा एपिलेप्सी का चैप्टर जो कि मैंने आज कंप्लीट कर लिया है, ईईजी। अब मैं यहाँ ये देख रही हूँ कैमरे में कि मैं कैसी लग रही हूँ, जब भी मैं पढ़ती हूँ बोर हो जाती हूँ बीच में तो मैं ले लेती हूँ मिरर हाथ में। अभी मेरे पास कैमरा है तो मैं आपको दिखा रही हूँ, रियलिटी दिखा रही हूँ मैं क्या करती हूँ बिहाइंड द कैमरा मान लो, तो मैं रियली मैं क्या कर रही हूँ वो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो मैं जब जैसे पढ़ाई करती हूँ फिर उसके बाद बीच में मैंने बोला ना मिरर मेरे पास ही होता है, मैं उसमें देखने लग जाती हूँ क्या मुझ में, सेल्फ एनालिसिस करती हूँ क्या कमियाँ हैं मुझ में, क्या मुझे करना चाहिए लाइफ में, क्या मेरे फेस में तो कोई कमी नहीं है, क्या मुझे डाइट प्लान रखना है, ऐसे ऐसी चीज़ें सोचती हूँ मैं। और ऐसे करते करते मेरा टाइमिंग अच्छा हो जाता है, मूड अच्छा हो जाता है, और पॉजिटिव थिंकिंग स्टार्ट हो जाती है माइंड में, फिर मैं अच्छा कुछ करने लग जाती हूँ। और मुझे कुछ भी गलत लगता है तो फिर मैं डाइट प्लान चेंज कर देती हूँ, मुझे लगता है कि हाँ मेरी बॉडी नहीं बन रही, मैं मतलब हेल्थ कॉन्शियस हूँ, मुझे इतना है कि बॉडी नहीं बनाना बट मतलब हेल्दी रहूँ मैं, बस इतना सोचती हूँ।
तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ बाइसेप्स ट्राइसेप्स, जिसमें ट्राइसेप्स थोड़ी दिख रही है, बाइसेप्स हल्का हल्का दिखता है। तो ऐसे मैंने ऐसे ही थोड़ा सा इंजॉय करने के लिए डाल दिया ये चीज़ मैंने। और ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ मुझे खुद को समझ नहीं आ रहा, मैं किस टाइम क्या सोच रही थी। अब ये तो मैंने डाल तो दिया ये वीडियो, मुझे लग रहा है यहाँ म्यूजिक ऐड कर देना चाहिए। अब मेरे को एडिटिंग नहीं आती तो मैं म्यूजिक कैसे ऐड करूँ, नेक्स्ट टाइम सीखूँगी मैं क्या करूँगी इसमें। ठीक है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कमेंट शेयर तो आप कर दोगे, मुझे पता है, क्योंकि आपको पसंद आएगा तो आप ज़रूर करोगे, और मुझे बोलने की ज़रूरत है नहीं शायद। मैं चाहती हूँ आप लोग मन से करो जो करो, मुझे बोलना नहीं पड़े, तो इसलिए मैं कभी ऐसे लाइक कमेंट शेयर के लिए मैं कभी फोर्स नहीं करती एंड मैं कभी बोलती भी नहीं हूँ। बस इतना है कि आपको थोड़ा सा मैं मैसेज देना चाहती हूँ कि आपको मुझे भी एक मोटिवेशन मिले और आप भी मुझे सपोर्ट करें। तो ये मेरा लंच का टाइम था, तो जिसमें मैंने सिंपल सा खाना खाया था, खा लिया वो, और अब मैं वॉक कर रही हूँ। अब मैं ये सोच रही हूँ कि मुझे क्या करना है आज। मैं मम्मा को टाइम देती हूँ, मैं मम्मा ये रहती हैं यहाँ पे घर पे, पापा चले जाते हैं दिन में और अकेली रहती हैं, तो वो क्या है वो थोड़ा ओवर थिंकिंग करती है, तो मैं उनको हंसाने की कोशिश करती हूँ। तो इसके लिए मैं कुछ ना कुछ आइडिया सोचती रहती हूँ दिमाग में। अभी मैं यही सोच रही हूँ क्या मैं जोक सुनाऊँ मम्मा को ऐसा, तो मैं फ़ोन में देख लेती हूँ, फिर लास्ट में नहीं याद आता है। तो आज मैं जोक सुना रही थी मैं उनको, तो वो मैं आपको सुनाती हूँ। क्या था जोक, ये है, दो लड़कियाँ बस में सीट के लिए लड़ रही थी, तो कंडक्टर ने बोला, अरे क्यों लड़ रही हो, जो उम्र में सबसे बड़ी है वो बैठ जाए। फिर क्या होता आपको पता ही है, पूरे रास्ते में दोनों खड़ी रही। क्योंकि लड़कियाँ हमेशा एज छुपाती है ना, इसलिए मेरे को लगता है क्या छुपाना है एज को, भी इज जस्ट ए नंबर यार, लाइफ में को जीना चाहिए। मतलब ये सब चीज़ें नहीं होती हैं, मतलब एज के साथ एक्सपीरियंस बढ़ते हैं, नॉलेज बढ़ता है, बट ऐसा तो नहीं है कि बच्चे बचपना तो हमेशा ही रहना चाहिए इंसान में। तो ये जोक था, और अभी मैं नहा के रेडी हो गई हूँ, लंच के बाद मैं आज नहाई हूँ, क्योंकि ये सभी शेड्यूल तो मेरा चेंज हो जाता है घर आने के बाद, थोड़ा सा आलस आ जाता है। और ये मैं नहा के आई हूँ, पता है 3 बजे नहा के आई हूँ, आपको बता देती हूँ टाइमिंग। इसके बाद तो मैं देख रही हूँ कि मैं कैसी लग रही हूँ, ठीक लग रहा है। घर पे मोस्टली मैं ट्रेडिशनल ज़्यादा पहनती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है यहाँ जैसा मतलब माहौल हो वैसे कपड़े पहनना चाहिए, अच्छा लगता है। यहाँ थोड़े बड़े बुजुर्ग लोग भी होते हैं तो उसके अकॉर्डिंग मैं पहन लेती हूँ, ऐसा नहीं है मैं वैसे सभी तरीके के पहनती हूँ, बट मोस्टली यही प्रेफर करती हूँ मैं। और मैंने अब देख लिया मिरर में खुद को, जैसी भी लग रही हूँ, अच्छी लग रही हूँ नहीं लग रही, मैं अच्छी लग रही हूँ या नहीं लग रही है तो आप मुझे कमेंट में बताओगे, ठीक है। तो मेरा टाइमिंग यहाँ चेंज इसलिए हो जाता है क्योंकि मतलब यहाँ थोड़ा सा पढ़ने का शेड्यूल थोड़ा चेंज रहता है, इतना फोकस नहीं रहता पढ़ाई पर, तो इसलिए मेरा थोड़ा चेंज हो जाता है। कुछ काम भी करवाने होते हैं यहाँ, तो ऐसे मैं थोड़ा हेल्प करती हूँ मम्मा की जितना हो। हाँ, तो अब बज गए 3, अभी मेरा टाइमिंग हो रहा है चाय पीने का, तो मम्मा चाय लेके आएंगी, और मैं 4 बजे चाय ज़रूर पीती हूँ इवनिंग में। ये सुबह हमारे बचपन से क्या परंपरा चलती आ रही है, सब लोग इवनिंग में क्या मॉर्निंग में पीते हैं, वैसे मैं इवनिंग में पी रही हूँ, क्योंकि मैंने मॉर्निंग का स्किप कर दिया है। और मैंने कुछ ये बिस्किट थे चिप्स वाले जो, तो ये खा रही हूँ मैं, और चाय के बिना तो ज़िंदगी अधूरी है। चाय पीने के बाद मूड बहुत अच्छा हो जाता है मेरा, और उसके बाद मैं 2 गुना ज़्यादा पढ़ती हूँ। बट क्या है, मजबूरी है कि मुझे सुबह मतलब हेल्थ कॉन्शियस हूँ इसलिए मैंने स्किप कर दिया, बट ठीक है थोड़ा सा तो चलता है लाइफ में, इसलिए मैंने एक बार चाय ज़रूर पीती हूँ मैं। अब मैं क्या करती हूँ, जब भी घर आती हूँ तो मेरे मम्मा मुझे पढ़ने के लिए बोलती है, पढ़ती रहे, तो मुझे क्या है धीरे धीरे आवाज़ में बात करनी पड़ती है। कोई भी चाहे लड़की हो चाहे लड़का, कोई भी फ्रेंड का कॉल आएगा तो मैं बहुत धीरे धीरे बोलूँगी। और मैं ये देख रही हूँ कि पीछे मम्मा तो नहीं आ गई है, क्योंकि वो जब भी आती है मुझे डांटती है, पढ़ाई नहीं कर रही। तो ऐसे क्या है कि यहाँ का खाना ही ऐसा होता है कि नींद बहुत आती है, आलस बहुत ज़्यादा आ जाता है, इसलिए मैं क्या मतलब थोड़ा सा नींद आती रहती है, तो मैं सोचती हूँ दोस्तों से बात कर लेती हूँ, और इतनी धीरे आवाज़ में करती हूँ कि लोग लड़के तो प्यार में पागल हो जाते हैं कि यार ये इतनी धीरे कैसे बोल रही है यार। मेरी फ्रेंड कहती है कि तो ससुराल में रहने लग गई है क्या, ऐसी ऐसी बातें बोलने लग जाती हैं यहाँ आने के बाद, ऐसी आवाज़ सुन के मेरी। और अभी शाम के बज रहे हैं 7 और मैंने योगा स्टार्ट कर दिया है, और एक्सरसाइज मतलब योगा में डांस जो भी होता है, मैं जो मतलब जो मुझे अच्छा लगता है वही करती हूँ, बट इतना मेरा टारगेट होता है कि मुझे डेली 1 आवर मतलब योगा प्रैक्टिस एक्सरसाइज को टाइम देना है। तो मैं मोस्टली तो इवनिंग में टाइम देती हूँ ज़्यादातर, क्योंकि सुबह मुझे फिर स्टडी नहीं होती, नींद आने लग जाती, वर्कआउट कर लेती हूँ, तो इवनिंग में मैं ज़्यादा
मैं प्रीफर करती हूँ टाइमिंग करना, तो मैं इवनिंग में फिर मेरा डिनर वगैरह हो जाता है एंड फिर सो ही जाती हूँ डायरेक्ट। और मॉर्निंग में थोड़ा सा ऐसा रहता है कि सुबह पढ़ाई करनी होती है, इसलिए मॉर्निंग में नहीं करती। और अभी मैं मम्मा को करवाती हूँ जब भी गाँव साथ में आती हूँ, तो अभी वो साइड में कर रही है, उनका मैंने फेस रिवील नहीं किया। मैं चाहती हूँ उनको अच्छा सब्सक्राइबर हो जाए तब मैं उनको शो करूँ, मैं अच्छा लगे उनको भी। और अभी मैं डांस स्टार्ट करूँगी, इसमें ये थोड़ा फनी होगा, इसमें मैं बिल्कुल बॉडी को रिलैक्स कर देती हूँ और जो मन में आ रहा वही कर लूँ बिल्कुल। मैं चाहती हूँ कि मेरी मम्मा भी हंसने लग जाए, तो मैं ऐसे ऐसे स्टेप करने लग जाती हूँ खुद ही बीच बीच में, तो आप भी हंस लेना, कोई इशू नहीं है। ओके, जी आके ब्लॉग में भी ज्वाइन नहीं किया तो क्या ही मतलब है, इसलिए आप डांस देखो, इन्जॉय करो, हंसते रहो सब ब्लॉग, ठीक है? और थोड़ा सपोर्ट बनाए रखना, प्यार दिखाते रहना मुझे कमेंट बॉक्स में, एंड लाइक कमेंट शेयर सब। ओके, तो टेक केयर एवरीवन एंड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।